दोस्तों सही वक्त पर सही फैसला लेना और अपने लिए सही फील्ड चुनना कितना इम्पोर्टेंट है ये अभी आपको पता लग जाएगा। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना सही फील्ड कैसे चुन सकते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने वीडियो में 3 पॉइंट शेयर करे हैं ताकि आपको पता लग पाए कि आप किस फील्ड के लिए बने हो। लेकिन उससे पहले मैं कुछ महान लोगों के एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ जिन्होंने सही वक्त पर सही फील्ड चुना और बन गए अपने फील्ड के बाप। सबसे पहला नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिनके नाम पर दर्जनों रिकॉर्ड दर्ज हैं और आज भारत के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इस शख्स के दीवाने हैं, जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को एक टूटी हुई टीम से एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया और इन्हीं की बदौलत हम दूसरा वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर ला पाए। लेकिन क्या ये सब हो पाता अगर आज भी महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रहे होते? कुछ भी नहीं होता, ना आज धोनी जितना बड़ा कोई नाम होता, ना भारत देश की क्रिकेट जगत में इतनी बड़ी शान होती। ये हुआ सिर्फ इस वजह से क्योंकि सही समय पर माही ने अपने फील्ड को चुना, अपने दिल की सुनी और वो किया जिसमें वो राजा बन सकते थे। और आज उनका इतिहास हर क्रिकेट लवर के जुबान पर है और पूरी दुनिया आज उनकी दीवानी है। इसी तरह अक्षय कुमार, जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, करोड़ों रुपए कमाने, करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाने और फिल्मों में आने से पहले वो बैंकॉक में वेटर की नौकरी करते थे, लेकिन दिल हमेशा एक्शन और मार्शल आर्ट वाला था तो सब कुछ छोड़कर इस फील्ड में कदम रखा, इंडिया लौटे, बच्चों को सिखाकर भी ये बंदा खुश था। लेकिन किस्मत चमकी, मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिला और अब इस बंदे को अपना इंटरेस्ट और पैशन दोनों समझ में आ गया था। इसने फिल्मों को चुना, शुरू की कुछ फिल्में खास नहीं भी गई, लेकिन सिर्फ अपने काम से और बेतहाशा मोहब्बत के वजह से ये बंदा टिका रहा और आज बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के रूप में जाना जाता है, जो आज सैकड़ों करोड़ का मालिक है। बड़ी बात ये नहीं है कि आज ये बंदा इतना कामयाब हो चुका है, इसलिए मैं और आप इसे जानते हैं। बड़ी बात तो ये है कि सही वक्त पर सही मूव लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग पैदा होते हैं जो पैदा तो होते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन एवरेज बनकर रह जाते हैं। जो काम मिलता है उसके साथ जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करते रह जाते हैं, कभी अपने दिल की नहीं सुनते, अपना कुछ नहीं करते। अगर इस बंदे ने अपने दिल की नहीं सुनी होती तो आज भी शायद ये गुमनामी की जिंदगी बिता रहा होता। आज दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी रह चुका है, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की जिंदगी को देखोगे तो वहाँ भी यही दिखेगा। एक बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब, जहाँ प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला, उस जमाने में यानी आज से 30 साल पहले उनकी 6 फिगर सैलरी थी, मगर फिर भी बंदे पर जुनून सवार था कुछ बड़ा करने का। उसकी जगह अगर कोई आम आदमी हम या आप होते तो क्या करते? बेशक उसे कभी नहीं छोड़ते, भले ही उस काम से जिंदगी भर चिढ़ हो, मगर उसको करते रहते। लेकिन अगर ये बंदा भी ऐसा ही करता तो क्या आज ये $135 बिलियन का मालिक होता, इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडर होता, लाखों नए एंटरप्रेन्योर्स का आइडल होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर इसने अपने पैशन और प्रोफेशन में फर्क ना किया होता। ये जो अभी अभी मैंने 2-3 रियल लाइफ एग्जांपल शेयर किए हैं ना, ये इस बात की सीरियसनेस को शो करता है कि अपना पैशन चुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज भी हर गांव, हर जिले, हर राज्य में एक महेंद्र सिंह धोनी, एक अक्षय कुमार, एक जेफ बेजोस जरूर पैदा होता है। लेकिन वो बन इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसे बनना क्या है और कैसे है। वो समाज के दूसरे लोगों की बातों में फंस कर रह जाता है और भेड़ों वाली जिंदगी जीने लगता है जैसे दूसरे जीते हैं। खैर दूसरों का छोड़ो, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक ऐसी जिंदगी जियो जो दूसरों के लिए मिसाल बने? चाहते हो ना, लेकिन इस चीज में फंसे हो कि साला अपना फील्ड कैसे चुनना है? तो बस आगे मेरी बातों को गौर से सुनना, वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि मैं शेयर करूंगा 3 ऐसे शानदार आइडियाज जिससे तुम अपना सही फील्ड पहचान जाओगे, वो फील्ड जिसके लिए तुम बने हो। और अगर इतना करना आ गया तो बस समझ लो अब सिर्फ मेहनत करनी बाकी है, फिर किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। तो चलो जानते हैं, आइडिया नंबर 1, आपका इंटरेस्ट किसमें है। किसी भी फील्ड को चुनने से पहले अपने दिल की हमेशा सुनो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। मुझे ये सबसे आसान लगता है, किसी भी चीज में हम इंटरेस्टेड है या नहीं ये फिगर आउट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। कुछ तो ऐसा काम होगा, कोई तो ऐसी फील्ड होगी जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, वो म्यूजिक हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, स्टडी या कोई कल्चरल एक्टिविटी हो सकती है। जो भी ऐसा फील्ड है जिसमें तुम्हें मजा आता है, दिल खुश होता है और वो काम करते वक्त तुम्हें घड़ी नहीं देखनी पड़ती, उसे अंडरलाइन करो। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ही फील्ड होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। हो सकता है कई बार एक अकेले इंसान को 4-5 फील्ड में एक ही जैसा इंटरेस्ट हो, एक ही जैसा मजा आए। तो ऐसे में दूसरा आइडिया सुनो, आइडिया नंबर 2, आपको देखना है कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट कर पाते हो या नहीं। देखो इंटरेस्ट चूज करने में पूरा काम दिल का होगा, तुम दिल से फैसले लोगे, लेकिन इसी के अगले टर्म में जब उस इंटरेस्ट को पैशन या प्रोफेशन बनाना होगा तो इस वक्त तुम्हें दिल के साथ साथ दिमाग की भी मदद लेनी होगी। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि कई बार जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे वो सही हो सकता है उसमें सर्वाइव करना बहुत रिस्की हो, जैसे रमी और रिस्की गेम्स में इंटरेस्ट रखना। हो सकता है उसमें फ्यूचर स्कोप या उसका करंट स्टेटस ठीक ना हो। अब यहाँ से जब इंटरेस्ट पता हो गया तो इसे अपना पैशन बनाने
या इस फील्ड में जाने से पहले ये पता करना है कि तुम क्या वाकई इस फील्ड के लिए बने हो। क्या तुम आसानी से अपने इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हो, ये भी तुम्हें ही बेहतर पता होगा। कई लोगों को क्रिकेट देखना बहुत पसंद होगा लेकिन उन्हें खेलना बिल्कुल नहीं आता होगा, और अगर आता भी होगा तो वो पूरे दिन नहीं खेल सकते, हर दिन नहीं खेल सकते, रोज लगने वाली करारी चोटें नहीं झेल सकते। ऐसे कंडीशन में ये सिर्फ उनका इंटरेस्ट हुआ, पैसन नहीं। ऐसी चीजें जो बहुत इजीली तुम कनेक्ट कर लेते हो, जैसे डांस का कोई पॉप ट्यून बजते ही तुम्हारा बदन थिरकने लगता है, तो इस केस में तुम कहोगे कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट भी है और तुम इसे बहुत जल्दी कनेक्ट भी कर लेते हो। ऐसे दुनिया में सैकड़ों इंटरेस्ट हैं, फील्ड्स हैं, बस यही फिगर आउट करना है कि कहां तुम सबसे अच्छी तरह खुद को कनेक्ट कर पाते हो। आइडिया नंबर थर्ड, कॉम्पीट। ये एक फाइनल स्टेप है जिससे अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अपने फील्ड को सेलेक्ट करने के मामले में। तो देखो, पहले दो पॉइंट्स क्लियर रखो, एक तो अपना इंटरेस्ट जानो और दूसरा ये जानो कि क्या आप अपने इंटरेस्ट से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहे हो, और एट द लास्ट ये थर्ड आइडिया यानी कॉम्पीट, जिससे आप अपने पैशन की कैपेबिलिटीज जान जाओगे। मुझे भी याद है बचपन में स्कूल और हाई स्कूलिंग के टाइम में एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था लेकिन स्पोर्ट्स में काफी अच्छा था, स्पेशली कबड्डी में। लेकिन ये तो फिर भी ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो बिलो एवरेज ही रहा, लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि पूरे स्कूल में उसके कॉम्पिटिशन में कोई और नहीं था। यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, वो बंदा ड्राइंग नेक्स्ट लेवल बनाता था और मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती थी और ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट था, जबकि जो क्लास के एग्जाम्स होते थे उनमें मैं बहुत अच्छा था। मैं उससे स्टडी में इतना आगे था कि कई सब्जेक्ट्स में मेरे जितने मार्क्स आए थे उसके आधे उसके आते थे, लेकिन जब बात ड्राइंग की आती तो मैं उसके नाखून बराबर भी नहीं था। अब यहाँ पर एक बात समझो, आज वो क्या कर रहा है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मान लो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो तो उसमें हम तो बस नाम के लिए बैठेंगे, उसका कॉम्पिटिशन तो अपने आप एकदम साफ हो गया और बेशक वो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। उसमें वो तीन आइडिया छिपे हैं जिससे वो ड्राइंग या डिजाइनिंग को एज ए पैशन, एज ए करियर सेलेक्ट कर सकता है। उसे इंटरेस्ट है तभी तो उसने किया, उसने उससे खुद को कनेक्ट किया तभी तो इतनी गजब की ड्राइंग बना पाया, और एट द एंड क्योंकि वो इसमें बहुत माहिर है तभी तो वो पूरी क्लास से इस फील्ड में आ गए। यही देखना है मुझे और तुम्हें कि जब हम अपने पैशन को चॉइस करें, अपने फील्ड को देखें और जब अपना फील्ड चुनने को आगे बढ़ें, तो हमें अपने इन तीनों आइडियाज पर पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। पहला कि क्या हम दिल से उस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, दूसरा कि क्या हम उसको बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसे करते वक्त, सीखते वक्त या सामने रखते वक्त हमें घड़ी तो नहीं देखना पड़ता, पसीना तो नहीं पहुंचना पड़ता, और तीसरा कि क्या हम इसमें सबसे टक्कर के हैं। और दोस्तों, इसमें तुम अपने आप परफेक्ट हो जाओगे अगर ऊपर के दो आइडियाज पर तुम बहुत अच्छी तरह क्लियर रहोगे, क्योंकि जब दिल से चाह होगी कुछ करने की और तुम उसे खुद से बहुत शानदार तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होगे, तो एट दैट सिचुएशन तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और एट द एंड बिना किसी स्वार्थ के की गई मेहनत के बाद टक्कर के आदमी तो तुम हो ही जाओगे उस फील्ड के। तो बस अब से इन तीन आइडियाज पर क्लियर रहना है, फिर देखना अपना सही फील्ड चुनोगे भी और उसे फोड़ोगे भी। दोस्तों, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो है इस टॉपिक पर, जो एक तरह से द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और इतना सिंपल वे में इस चीज को समझाने और बताने के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो बस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।